No, fuck.
जय छत्रधारी की। मैं नंदलाल भारती आज आपको एक ऐसे विषय पर मुखातिब हूँ जिससे आप सब लोग विज्ञ हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले जौनसार बावर में एक बहुत ही अनूठी और बहुत ही भव्य और बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा संचालित हुई है जिसका नाम था बरांश। बरांश मासु देवता के उन सबसे छोटे भ्राता की चालदा महाराज की वो यात्रा थी जो अपने आप में एक इतिहास प्रस्तुत करता है। उस इतिहास को दोहराया गया और हम आप सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग उसके साक्षी बने। चालदा महाराज के इस यारुल को जो वाई सीरीज के बैनर तले यूवी ने प्रस्तुत की है, जिसको उपल गांव ने अपनी हार्दिक इच्छा जाहिर की थी कि ये यात्रा जब भी निकले तो इसका इतिहास दर्ज हो। हम लोगों ने अपनी अल्प ज्ञान के माध्यम से इस हारुल को लिखने का प्रयास किया जिसको हिमाचल के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रतिभावान कलाकार लोक गायक विक्की चौहान ने अपनी मधुर आवाज में गाया। और फिर उस चालदा महाराज के उस हारुल को राजीव नेगी जी ने इतना सुंदर संगीत उसमें दिया कि हम सब लोग जब उस हारुल को आज सुनते हैं तो नेत्र सजल हो जाते हैं, मन प्रसन्नचित हो जाता है। और जब हम अपने उस इतिहास को उन गीतों के माध्यम से सुनते हैं तो अपने आप में एक अलौकिक प्रसन्नता के साथ हम लोग उसका वो भव्य दृश्य देखते हैं। मैं आप लोगों को फिर से इस बात के साथ धन्यवाद करता हूँ कि इस हारुल को फिर से एकाग्रता के साथ सुने और ये इसको शेयर करना मत भूलिए, अपने कमेंट्स देना मत भूलिए और अपनी भावनाएं व्यक्त करना मत भूलिए। आइए फिर से एक बार दर्शन करते हैं और सुनते हैं छत्रधारी। जय चालदा महाराज, जय मासु महाराज। और आप सब लोगों का स्वागत करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ।